से आप सब लोग स्वागत करने का काम करें। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हम सब लोगों को ताकत सभी लोगों से लग रहा है खड़े होकर के अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करने का कष्ट है। और ऊंचा हार की धरती पर उनका आना पहले भी होता रहा है। ऊंचा हार में कमल खिलाने के लिए आए हैं। परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा इस ऊंचा हार विधानसभा में, और 1,00,000 से ज्यादा वोटों से परिवर्तन होगा, ये मैं दावे के साथ। एक आपकी स्पीच आप लगातार हर मन से दे रहे हैं कि सपा का गुंडा विधायक, ये क्या है? गुंडा है यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर भय व्याप्त है और भय व्याप्त है, उस भय को मैं समाप्त करूंगा और जो योगी जी मोदी जी की योजनाएं हैं जमीन पर धरातल पर उसको लागू करूंगा। कौन सी आपकी ऐसी वो मजबूत पॉइंट है जो आपको जिता रहे हैं? मैं सभी का स्नेह मिल रहा है। मैंने एक यहाँ के रोजगार के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के पेंशन के लिए, उनको इलाज के लिए जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो योगी जी मोदी चला रहे हैं उसको जमीन पर उतारने का, अमरपाल मौर्य क्योंकि जमीन का जो है बेटा है, जमीन पर उतारने का काम करेगा। गुंडा राज का खात्मा इस ऊंचा ऐसे स्टेटमेंट पर मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। सर क्या रहेगा रायबरेली में इस बार? आप जहां जाते हैं वो सीट आपके प्लस हो जाती है। पिछली बार लालगंज गए थे ऐन मौके पर, इस बार ऊंचा हार आएंगे, परिवर्तन होगा? वैसे रायबरेली का जहाँ तक प्रश्न है, मैं कह सकता हूँ कि सभी सीटों पर भारतीय जनता। देखिए रायबरेली के एक भाजपा प्रत्याशी की फोटो वायरल हुई, उसको लेकर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया गया, ऐसे फोटो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। धन्यवाद। रक्षा मंत्री जी, थैंक यू। कोई प्रधानमंत्री बनेगा सर क्या रहेगा रायबरेली में इस बार? आप जहां जाते हैं वो सीट आपके प्लस में जाती है। पिछली बार लालगंज गए थे ऐन मौके पर, इस बार ऊंचा हार आएंगे, आए हैं, परिवर्तन होगा? नहीं, अभी शुभ संकेत मिल रहे हैं।